या काशिफल करब अन वजहल हुसैन इकशिफ करबी व करबल मोमिनीन बेहक अखीकल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا صلوات اجازت ہے جی گزشتہ نال ہی پیوستہ کر کے کچھ بات کو اگے بڑھاونا ہے کل ہی گزارش کیتی ہے دو چیزاں دی ضرورت ہے ایک نجات واسطے एक बुलंदी है दर्जात वास्ते निजात सिर्फ चौदह की वजह तो होनी है बाकी चुप कर यार चुप कर वाले कुल दर्जात उन मामिलो आमाल के एतबार से दर्जात दिए जाएंगे वाले युवफियहुम आमालहुम وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا جڑا بندہ تنوں آدا ہے نا عقیدہ ہوئے تے عمل نہ ہوئے وہ تو اڑا دوست نہیں تو جڑا آکھے جی عمل ہوئے تے عقیدہ نہ ہوئے سجن ہوئی نہیں یہ دوئیں چیزاں حکمہ نال لازم ملزوم ہیں عقیدے والے اعمال دی کمی دی وجہ تو میدان معاشر وچ حسرت کرے سن بلکہ جنت وچ حسرت کرے سن تے اعمال والے عقیدے دی کمی دی وجہ تو میدان معاشر وچ حسرت کرے سن انتقول نفس یا حسرتا علا ما فرطت فی جنب اللہ اعمال کی طرف دیکھ کر عامل کہے گا کاش میرے پاس سب کچھ تو ہے کاش میں نے جنب اللہ میں کمی نہ کی ہوتی تو انہ دوہیں چیزیں دی ضرورت ہے سب تو پہلے عقیدہ عقیدے تو بعد موضوع اج خشکی ہے چلو چپ کر کے ہی سن لو پہلے عقیدہ بعد وچ نیک اعمال اللہ صرف عمل دی گل نہیں کی تھی چونکہ صرف عمل تو شیطان کول بھی ہن صالح عمل عمل صالح یہ صالح عمل کیڑے ہونن تورف الاشیاء و بے ازدادہا ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ صالح دی ضد بن دی غیر صالح صالح غیر صالح جس طرح تسی آدھے ہو نا فلاں ملکی غیر ملکی سید غیر سید صالح دی ضد غیر صالح قرآن وچ اکی دفعہ یہ لفظ استعمال ہویا ہے غیر صالح وہ کہندے لئی ہویا ہے وہ نوح دے پتر واسطے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یہ پہلے تھا اب نہیں رہا
पहले था, अभी आपकी नस्ल में से, चूंकि मैं अकीदा ते अमल दोवां नूं कट्ठा रला के भाई तसव्वुर सैन टुर रहा, तो अमल वास्ते सख्ती है, जुमला सामने आ गया है। अमल वास्ते जिवें नमाज है सख्ती है, हुक्म है जिहड़ा न पढ़े घरों कढ़ दिओ, जेड़ा नमाज न पढ़े उन्हों घरों कढ़ दिओ, जेड़ा अली न पढ़े उन्हों नस्ल ही चू कढ़ दिओ। बहुत शुक्रिया। जेड़ा नमाज न पढ़े घरों कढ़ दिओ, ते जेड़ा हुज्जत दा इनकार करे, जेड़ा अपने जमाने दी हुज्जत दा इनकार करे, उस अपने जमाने दी हुज्जत दा इनकार कीता। लेकिन एक सवाल रखदा मैं तुहाडी बारगाह च, कश्ती ते न बाहणा वड्डा जुर्म है या कतल करना वड्डा जुर्म है? बोलो, कतल करना। नूह का पुत्र कश्ती ते नहीं बैठा, नस्ल ही चु निकल गए। आदम दे पुत्र भरा नू कतल किते, अल्लाह उन्दे वास्ते आदम नू इतने नीचा आखा वे इनू घरों कढ़ छोड़, जेड़ा कतल करे उन्हू घरों नहीं कढ़ेंदा, जेड़ा इनकार करे उन्हू नस्ल ही चु कढ़ छोड़ेंदे। फरमाया इसने उस कश्ती का इनकार किया कि जिसमें 14 बैठे थे। देखो मनना हर किसी नूं है, लेकिन हर कहीं अपनी मार्फत नाल मनना है। 14 दे दुश्मन ही मनना है, 14 पाका नूं। लेकिन मनना मियां साहब हर कहीं अपनी मार्फत नाल है। वो किसी होर दा अली हो सी जेड़ा 13 रजब तू बाद है ते पहले नहीं, मेरा अली ओ नहीं। मेरा अली ओ है जना कौन तो वलियन आदम बैन अलमाए वत्तीन, ये पानी और मट्टी के दरमियान था तेरा बाप आदम, मैं उस वक्त भी वली था। कोई भी काम होए ना वो कराया कराण लगे हाँ, किसे नू उनकी सरपरस्ती दी जाती है, चल भी तू सुपरवाइजरी कर। इस तरह हजरत नूह ही पूछा कि मैं कश्ती जो बनावा वो 1800 फुट लंबी ते 1200 फुट चौड़ी ते 80 फुट उच्ची ते सुपरवाइजरी कौन कर सी? बिच सबर हुसैन अरबी ग्रामर इच जमा दे मुख्तलिफ औजान ने, मैं तो सबक ही सुनावने तालिब इल्मा उलमा बैठन, यानी जमा कसरत दे औजान मुख्तलिफ हैं, जमा किल्लत औजान मुख्तलिफ हैं। जमा कसरत दा इतलाक 3 से लेके 10 तक, किल्लत दा ते जमा कसरत दा 10 से लेके लातादाद तक। अल्लाह जमा किल्लत दा एक वजन इस्तेमाल किया, जब नूह पूछा है ना कश्ती बनावा कहंदी जेरे निगरानी बनावा, फरमाया वसना इल फुल का बे आयोने ना, नूह हमारी 10 आंखों के सामने कश्ती बना। हमारी 10 आंखों के सामने कश्ती बना, 10 आंखों के सामने ये हस्तियां 5 कठियां थी, मैंने तो आखी नाह बन दी। तो खैर मैं बह पासे चला गया। अमल साले जलालपुर भटियां आले, हर ओ अमल साले अमल है जिस अमल में हुज्जत का इकरार है। तो अमल साले बंदे अमल दी हसरत करते न जन्नत दी जाके, जुमला मेरा इंतहाई तवज्जो नाल समात फरमावना है। बंदे आमाल दी कमी दी वजह तो
जन्नत च जाके भी कैदी हो सन। असल मामला है कि जिस बच्चे नु पता होवे ना बे नंबर लावण आला आगू मामा बैठा है ताया बैठा है वो किताब नहीं पढ़ता। मेहनत वो करता है जिन्हों कोई फिक्र होवे। साड़ी कोताही की सब तो बड़ी वजह है कि असी जरा बतेरे मुतमइन हो गए हाँ। चौके सारे ना असी मुतमइन हो गए जनाब के बस वो 14 पाक जो बैठन वो जरूर बैठन। लेकिन इमाम सादिक फरमाते हैं एराफ की मंजिल पर हम संभाल लेंगे बरज़ख का सामान खुद उठा कर आना। वो दरमियान बरज़ख ही तो है उन्दे लई कुछ करना है कि नहीं करना। एक रात वास्ते कोई बंदा थाने ढकी वजे ना असा दें यार जिन्ने पैसे लगते ला लो बंदा छुड़वाओ जेर हिरासत बंदा छुड़वाओ जड़ा ढक्का होए उन्हू छुड़वाओ जड़ा पुलिस वाला को ढक्का होया होवे उन्हू छुड़वाना है तो जड़ा अल्लाह की बारगाह जेर हिरासत है। उन्हें लिए कदे सोचे ही नौकर गिरफ्तार हो वे तो लख रुपया दो छुड़ा लो तो तेरा प्यू जो कबर च गया पे तो उन्दिया नमाजा कजा इन पढ़ाइया नहीं। एक सहूलत जो है बाबा सहूलत है ना वड्डे पुत्र ते वाजिब है कि वह बाप दिया नमाजा पढ़ावे। और मासूम फरमैनन कि वह नेकोकारा का सरदार हो सी जेड़ा प्यू की मौत तो बाद प्यू ते कोई एहसान करे। लेकिन गल फिर वत सामने होर आ गई है क्योंकि वह थोड़ा जहा अकीदे नाल रला के टुटना है ना। मरण तो बाद रुपया ला के पैसा ला के नमाज मिल वेंदी है अली नहीं मिलता। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। मरण तो बाद नमाज मिल जाती है ना नमाज इजारा ते पढ़ावनी चाहिए मैं आप ही पढ़ाई है पढ़ावनी चाहिए जिन्हां दे मरहूमीन वालदैन होवे उन्हां दा हक बनदा है। मैं सैयदां मिन्नत करदा पिया कि उन्हां वास्ते उन्हां दी कज़ा नमाज़ां भी पढ़ाओ उन्हां दे कज़ा रोज़े भी रखाओ आप च रखो आप च पढ़ो वो हज कज़ा हो गई है तो हज भी कराओ। नमाज मिल वेंदी है अली नहीं मिलदा। ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا بل افتدى به انہیں کہہ دیجئے اگر انکار کر کے مر گئے زمین سونے سے بھر کر بھی دیں گے تو ہم قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ گزارش میں کی دیے بھی اسی بتیرے مطمئن ہو گئے ہاں گل پسند آندی پئی ہے असी मुतमइन हो गए हैं भी जन्नत जी ना वो बस ही मिल जानी है। भाई जन्नत किसी सैक्टर का ना नहीं जन्नत किसी कॉलोनी का ना नहीं जन्नत ही दरजात इन। मैं गुजारिश की थी आमाल की कमी की वजह तू कई बंदे जन्नत च कैदी हो सन। जन्नत च वाज के भी कैदी हो सन। कैदी कि आते भी इतने रह सकने तो उत्थे नहीं जा सकता। इमाम सादिक फरमाने अठ दर्जन जन्नत दे अठ ऊपर वाले दर्जे वाला नीचे आ सकता है। निचले दर्जे वाला ऊपर ये कैदी हो गई ना
ये कह देना। अच्छा जी, मैं मिसाल के तौर पर फरमाया, जिसने जानबूझकर असर की नमाज देर से पढ़ी वो जन्नत में तो जाएगा लेकिन कभी अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएगा। ये कह देना कोताही की वजह तू असा आते जी जो जी जन्नत है ही कुछ नहीं ही कुछ ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि आखिरी दर्जे आले जन्नत आले को भी इतने अख्तियारात हो सन। आखिरी दर्जा जिंदा सब तू निचला दर्जा है ना जन्नत च, मासूम फरमाने उसके पास भी इतने अख्तियारात होंगे कि अगर वो चाहेगा तो पूरी जन्नत को खिला भी सकेगा और अपने पास रहा भी सकेगा। यानी वो इंतजाम ही कर ले सी, लेकिन बाबा वसी जन्नत बड़ी। वो एक न्याणे जिब्राइल सोचा भी मैं सरहद अबूर कर लई जन्नत दी। मुसलसल 16,000 साल परवाज की तुस तो जन्नत दी। एक बालकोनी चू एक होर घूर के डिठा रू अलमीन दो बेजा अपने आप नू जहमत मुबतला न कर, तेरे वास्ता रोग नहीं, पीछे टुर जा। हजरत जिब्राइल खफा हो गए कि मैं इतना सफ़र किया, इतनी मेहनत की, इतने हज़ार साल का सफ़र करके हूँ मैं नेड़े लगा वदा, हूँ तू अदी पीछे टुर जा। अद ये मर्जी भी कर जितना सफ़र करना ही, लेकिन ये जहन च रखें अजा तो एक मोमिन की हद चू ही नहीं निकला। अजा तो 50-60 साल की जिंदगी होवे ना, 50-60 साल की जिंदगी होवे तो बंदा आदे यार मैं इतना बना लवा जो बच्चों के कमे आ वे। फरमाया बनू आदम दुनिया वास्ते उतना बना जितना दुनिया च रहने। दुनिया लई उतना बना जितना दुनिया च रहने, आखरत वास्ते उतना बना जितना उत्थां रहने। हजरत ईसा नू लै गए ना जना आसमान ते, त्रीजे आसमान ते हुक्म होया कि तलाशी लो। क्या तलाशी लाई गई तो जनाब एक सुई बरामद हुई, बटन टूटा होया आई सुई बरामद हुई। फरमाया अगर ये सुई बरामद न होती तो तू अर्श तक जाता। समझ आ रही है मेरी गुजारिश थी? दुनिया वास्ते उतना बना जितना दुनिया चलाना ही, आखरत वास्ते उतना बना जितना। और मौला फरमान इस तबकु फिल खैरात, ईमान वाले आखरत के बुलंद दर्जात के हुसूल के लिए अमल के जरिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करो, एक दूसरे के साथ अमल के जरिए। यानी कोशिश कर ना अल्लाह मोमिन थोड़ा अमल कर दे तू ज्यादा कर। जायदाद इच मुकाबला नहीं करना, उनकी तकसीम ते राजी रहने। मासूम फरमाने जो हमारे दिए हुए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया अल्लाह उसके थोड़े अमल पर भी राजी हो जाए। हूँ अगली गाल है औखी, भावें तो मेरे बानी मेरे ते नाराज थी गए करें दा। हाँ हाँ बाबा, हक कोई से न रोको चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। इतने बड़ा फायदा होता है ना उमरान हूँ कि गरीब कतार इच खड़े होने तो उमरा दा कम फून ते हो जाते। मेरा मौला फरमाता है शुक्र गुजार गरीब अमीर तू 500 साल पहले जन्नत च वैसी। मेहरबानी जनाब,
दुनिया की इन्वेस्टमेंट वास्ते भाई तसवर हुसैन जरूरी है। वो तजारत कामयाब होंगी है जिंद रुपया चोखा हो। ठीक है, आखरत बनावनी है तो जितना थोड़ा हो सी उतना ज्यादा बन सी। फरमाते हैं कभी कभार ऐसा होता है एक बंदे ने दिया 1,00,000 दीनार, दूसरे ने दिया 1 दीनार। अल्लाह के हाँ अजमत 1 दीनार वाले की बढ़ गई। मौला ओ किवें बन गई? फरमाया जिसने 1,00,000 दीनार दिया उसके पास असासा था 10,00,000, जिसने 1 दीनार दिया उसके पास टोटल थे 2। हम ये नहीं देखते कि किसने कितने दिए हैं, हम ये देखते हैं कि किसने कितना हिस्सा दिया है। मेरी गुफ्तगू दी समझ आ रही है? और पूछा गया कि मौला सानू मौत तो डर क्यों लगता है, कोई अमल दसो आ जिस नाल मौत तो डर न लगे। फरमाया अपना माल आगे भेज दो। अपना माल, बंदा उसी जगह से प्यार करता है जहां उसका माल होता है। तेरा माल वो है जेड़ा अल्लाह मुहम्मद आले मुहम्मद दे नां ते इत्थे दुनिया च ला छोड़ी, जेड़ा रह गए वो तेरा नहीं, जेड़ा टुर गया है। और फिर मैं एक आयत सामने आ गई है, अल्लाह दे मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह हसनन क़र्ज़न फ़युज़ाएफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। कौन है जो मुझे कर्जा दे और मैं कसीर करके उसे लौटा दूं? जब इमाम सादिक से पूछा गया कौन अल्लाह को मकरूज़ कर सकता है, फरमाया जिसने मेरे दादा हुसैन की आज़ादारी पर 1 दीनार खर्च किया उसका अल्लाह भी मकरूज हो गया। यार घबरा तो नहीं गए जनाब? तो गल चलती रहा सी, जरूरी नहीं कि सारिया गल् आज करनी हैं। कुछ गल् कल की रह गई हैं वो अच की थी, कुछ अज रह गई कल च करे सो। अमल के जरिए एक दूसरे के साथ क्या करो, मुकाबला करो। दरवाजे ने दो, एक के अल्लाह दा एक के 14 दा। मैं सिर्फ अकीदा चाह के लगा गया 14 दे दरवाजे थे, सिर्फ अकीदा लेके मैं पहुंच गया अंदरों। 8वां इमाम बरामद होया तो पते मौला की फरमाए, फरमाया कभी भी हमारी मोहब्बत के एतमाद पर मेरे अल्लाह की इबादत न छोड़ना। कभी भी हमारी मोहब्बत के एतमाद पर मेरे अल्लाह की इबादत मत छोड़ना। फिर मैं इबादत जहन च रख के जो वापस मुड़न लगा मेरे मुंडे ते वात थत है। फरमाया कभी भी इबादत के एतमाद पर हमारी विलायत न छोड़ना। हैदरी इबादत के एतमाद पर विलायत न छोड़ना, विलायत के एतमाद पर, ये दोए चीज़ां लाजम मलजूम इन। जिसको अकीदा कोई नहीं वो पहले हसरत करे सी, जिसको अमल थोड़े वो अगे जा के हसरत करे। अमल ही दसा, अमल का मतलब ये नहीं मैं धुप ते मुसल्ला बिछा ते सारा दिन नमाज पढ़। अमाल में ऐसे दसने जिन्हें टाइम ही थोड़ा लगे तो सवाब ही, सवाब ही। हर वो अमल जेड़े आले मुहम्मद नाल मनसूब हैं ना उन्हें टाइम थोड़ा लगता है, सवाब ज्यादा। ये जेड़े कुछ मेरे सामने आते पैन अमल, मसलन दुरूद है आले मुहम्मद ते चौका टाइम लगता है।
दुरूद ते कोई टाइम नहीं लगता ना। मासूम फरमाते हैं कि कोई बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़े फिर चुप हो जाए 400 साल तक जिंदा रहे, 400 साल के बाद फिर दुरूद पढ़े तो सवाब लिखने वाले फरिश्ते चीख उठते हैं, पहले पहला सवाब तो लिखने देते। देखो बंदे आदे बड़ा अफसोस लगता है मियां साहब, बंदे आदे मजले सुने हो की लभ्या जे सुलेमान बिन दाऊद दी चरिंद परिंद हवा तक हकूमत आई। रब फिरली वहाबली मुल्कन ला जनबगली ना मिम्बा दी, मुझे वो इक्तदार दे जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। एक मरतबा हवा का झोंका आया, आवाज हुई सुभान अल्लाह, फरमाया तेरा इक्तदार रखने से बेहतर है कोई मोमिन एक बार कह दे सुभान अल्लाह। तो उसी मजलिस बह के कितनी दफा दे सुभान अल्लाह, और ये सारे अहले सुन्नत बिरादर तो तुहाडे तो ही ज्यादा आ दें सुभान अल्लाह आखना चाहिए ना। तो वत जेड़ा मौला दा नाम है, मौला का जरा ना है उनका कितना सवाब है। या तो मैं कोई होर ना विखा दें चावण का इतना सवाब हो। फरमाते ने मैं जाफर साथ एक के चुके, देखो कुरान का एक हर्फ अपने अंदर 1,00,000 नेकी रखता है। लुखू कहा हरूफ इकट्ठे हों खत्म कुरान बनता है। इमाम सादिक फरमाते हैं मुझ जाफर साथ एक के 16,000 मरतबा पड़े हुए कुरान का सवाब थोड़ा है, 1 मरतबा या अली कहने का सवाब ज्यादा है। पता है मजले से जाके ज्यादा कमा कौन वेंदे तुसे दा अक्सो जाकिर नहीं, जाकिर नहीं ये जेड़ा नारा नहीं मरवेंदा, नारे का जवाब देने वाला ना जेड़ा नारा मरवांदा या सलवार पढ़ांदा है। चूंकि जिस नारे के जवाब ही या अली आख है उन्हों आप नू या अली आखण का सवाब उसी, ते जेंदे नारे के जवाब विच हजारा बंदा या अली आख है उन्हों बराबर सवाब उसी। पहले मैं गया जनाब 14 के दरवाजे ते उन्हें की फरमाया, कभी हमारी मोहब्बत के एतमाद पर अल्लाह की इबादत न छोड़ना। फिर क्या फरमाया कि कभी भी इबादत के एतमाद पर हमारी विलायत न छोड़ना। मुड़गा हाल पच्चे ते भावे न पच्चे लिखी हुई किताबां चे मैं आपू नहीं पढ़ता यार, यो इसे गल का अरमान है वे जिन्हें किताबां लिखी हैं उन्हें कोई कुछ नहीं आता, असा किताबा चू पढ़ के पढ़ू चाहते सारे ते सख्ती हैं। हदीसे कुदसी न होवे जो सजा जारी करे से मैं झलन को तैयार हूं। जब मैं अल्लाह के दरवाजे ते गया छड़ी इबादत चाके पता के जवाब मिले, मन अहब्बा अली अदखलहुल जन्नत व इन असानी व मन अबगज अली अदखलहुल नार व इन अतानी, जो अली से मोहब्बत करेगा मैं उसे जन्नत भेजूंगा चाहे मेरा नाफरमान क्यों नहीं। जो अली से मोहब्बत करेगा मैं जन्नत भेजूंगा चाहे मेरा नाफरमान क्यों नहीं, जो अली से बुग्ज रखेगा मैं जहन्नम भेजूंगा चाहे मेरा फरमा बरदार क्यों नहीं। तो आज दी मजलिस दा खुलासा 14 दे दरवाजे ते वंजो ना, वो आदन अल्लाह की इबादत करो,
अल्लाह के दरवाजे ते आओ तो वाह दे अली अली करो। साडा हक बनदे असां दोवां घरां नूं राजी रखिए। एक गल रहन च रखें, अली सारी जिंदगी अपने दुश्मन को कुछ नहीं आखा, भावें कहीं गुस्ताखी च कीती है, भावें कहीं तौहीन च कीती है, अली सारी जिंदगी अपने दुश्मन को कुछ नहीं आखा। अल्लाह दे दुश्मन को मारे, अल्लाह दे अदल दा तकाजा ए है अपना दुश्मन छोड़ दे वे, अली दा दुश्मन न छोड़े। बोला तुहाडी जिंदगी करे सलामत रहो। बहुत मुहब्बत नाल सुनदे पए हो शिया सुनी रल के, मैं इमाम हुसैन दा मुहर्रम है, मिंबर है, तुहाडे फायदे की गल करनी है, तुहाडी आखरत की खैर मंगना, भावें मेरी दुनिया डावे ते भावें ना डावे। इमाम हुसैन दे काफिले दी हर बीबी परेशान आई कि पता नहीं हुसैन घिन वे कि नहीं। हर बीबी परेशान आई कि पता नहीं सुबह हुसैन लिस्ट च ना लिखे या नहीं। सारिया बीबिया चो हिक्का मुतमईन नहीं अकबर दी भैन। रूहानियत फैल गई है मजलिसी, दुआ करो साडे बड़े भाई हाजी नासिर बास नोतक साहब को अल्लाह सेहत ता फरमावे, मौला उन्हें बच्चे दी जिंदगी करे। हिक्का मुतमईन नहीं अकबर दी भेण। ते किसे पूछा बीबी तेनू कोई परेशानी नहीं? मेरी सहना दिए मेरा बाबा कायनात छोड़ सकता है। मेरा बाबा कायनात छोड़ सकते, मैनू नहीं छोड़ सकते। अच्छा ठा भी रजा बल दिहाड़े पता लग गया बीबिया को जो हुसैन दी इस दी नहीं मंजना। वो बीबी बड़ी मुतमईन सामान तैयार वधी कर दिए, बीबियां हुसैन दी धी नूं वेख के ना मुंह लुका के रोवन। मुंह लुका के रोवन। मेरी सहन एक कनीज को सदे, मेरा अल्लाह जे मौत लिखी खड़ी है ना इन्हां लफ्जां ते दे छड़, इस तो चंगी मौत कोई नहीं। कनीज को सदे कनीज तो देख क्या दिए क्या है ये सारिया मेरे अल वेख के रोंदियां क्यों? कनीज जेड़ा बीबी अगली गल की है ना मेरे वास चाहता मैं साह मुका ली। कनीज आदि बीबी असा सुने कि हुसैन कोई धी छोड़ी वेंदे। जुमला आ गया, जुमला आ गया। नहीं नहीं जुमला तो मैं हाले आखा ही नहीं। बीबी असा सुने हुसैन कोई दी छोड़ी वेंद है, जिन्हें लफ्जा तो मैं मौत मंगी है ना वो है। जैसा ऐसा कहना कि असा सुने हुसैन कोई दी छोड़ी वेंद है, कनीज अल वेख क्या दिए बाबे छोड़नी हो सी तो कोई ओ धी छोड़े सी जैसी माँ जींदी हो सी। मेरे बाबे नू पता
ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਚੋਣਨੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਧੀ ਛੁੜੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀਂਦੀ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਰਾਸਣ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਦਾਤ ਮੁਮਿਨੀਨ 28 ਰਜਬ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੈ ਸਜੂ ਆਬਾ ਵਿਆ ਕਹਿਣ ਲੈ ਖਬੂ ਆਬਾ ਵਿਆ ਤੇ ਬੇਣ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਜਗਾ ਲੈ ਬੇਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਨ ਵੱਧ ਕੋਈ ਈ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਾਉਂਦਾ ਰੇ 28 ਰਜਬ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਬਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਵਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਵਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਵੱਸਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਹੀ ਵੰਜ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀ ਗੁਜਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਵੱਦਤ ਵਾਲਾ ਤਵੱਸਲ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ 28 ਰਜਬ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋ ਲਵਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਨੂਰਾਨੀ 'ਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਟੀਜ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਟੀਜ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਪਿੱਛਾ ਨਿੱਠੇ ਤਾਂ ਅਬਾਸ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੀ ਸਿਵਾ ਨਿਵੀ ਨਿਭਦੀ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਨ ਅਲਮਾ ਆਲਾ ਮੈਂ ਉਧੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾਸ ਆਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਅਤ ਉੱਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉੱਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਰਾਦਤ ਉੱਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਮਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾ ਸੀ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਂਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਸਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸੇ ਅੱਬਾਸ ਆਦੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾ ਸੀ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਏਡਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਵੀਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਤਨ ਕਨੋ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਕੈਰਾ ਆ ਕੇ
जा मजलिस में पड़ी खड़ा यो वैणी करने वतन कनो आज मुल कईरा के जलाल पूरा ले किसे मेहमान को आखो जो टिक जा मेहमान आदे में नहीं टिकना क्यों नहीं टिकना मेहमान आदे किवें टिका घर दी कली अंदाजा तकर कुंजिया दीतिया को सैयद मुसाफिरता कवला जिया नितिया दी सुबरा लुगड़ी हवेली ए विच बाबा मरवे साउजड़ी कोरला आखरी वैन जवानो तुहाडे मातम दई से आखरी वैन मियां साहिब मैं ओ वैन करना चाहना जेड़ा मेरे दादे उन्हें पढ़ते हैं मेरे बाबे भी थन पढ़ाओ सी ओ वैन करना चाहना महामल टोरे सैनी में पलू बधाए कर ले वादा ऐ शहजादा आवाज आया तकदीर खुदादा अकबर वादा न पिया करे तै नहीं वलना वल वतना ते समय से परछी खा के दुनिया महामल टुर पे आए न दाम पेण भीरा गल लग गए कर ले वादा ऐ शहजादा आवाज आया तकदीर खुदा तै नहीं वलना सरदा मातम सरदा तै नहीं वलना बलवतना ते हाकत समय से परछी खाक